गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास है वीवो V40 डिवाइस। इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी टॉप 20 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, सिंपल से थोड़ा नीचे और आएंगे हम, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी कम्प्लीटली हिडन सेटिंग्स हैं जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी और ना ही आपने कहीं देखी होंगी। ये सारी सेटिंग्स हैं, हिडन सेटिंग्स हैं और ये बहुत प्यारी सेटिंग्स हैं जो कि आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको मल्टीटास्किंग का, ये मल्टीटास्किंग है और मल्टीटास्किंग के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, स्मॉल विंडो और स्मार्ट साइड बार है, मतलब कि आपको हेल्प करती है एक साथ दो एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, तीनों फीचर्स आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखो ये हमको बोल रहा है स्वाइप अप विद थ्री फिंगर्स टू स्प्लिट स्क्रीन, आपकी ये थ्री फिंगर्स हैं इनको ऐसे स्वाइप अप करोगे तो आपकी स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स के अंदर, अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको तरीका दिखाया जा रहा है कि आप इसको यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, रिसेंट टास्क में जाके भी आप इसको कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे एक ऊपर दिखाया जा रहा है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, इन स्प्लिट स्क्रीन ऐप पुल डाउन टू ऐप शॉर्टकट सेंटर एंड टैप टू द स्प्लिट स्क्रीन बटन टू टर्न ऑन स्प्लिट स्क्रीन, मतलब कि स्क्रीन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कई तरीके से, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखो आपका स्मार्ट साइड बार है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्लिट स्क्रीन तो ऑन करके दिखाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आप समझ लो स्मॉल विंडो, इसका भी वही काम है क्योंकि तीनों फीचर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्मॉल विंडो पर हम क्लिक करेंगे, सेम स्मॉल विंडो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसके जेस्चर्स पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आप इसको ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को एक विंडो में ऑन कर सकते हो और इसको ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके से इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे रिसेंट टास्क में, जैसे एग्जांपल के लिए हम जाते हैं और यहाँ पे अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन खोल के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के करने के लिए। क्योंकि मैंने मैसेज खोल लिया, एक क्रोम खोल लिया मैंने। अब आप स्मॉल विंडो के अंदर कैसे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा था, आप इसको स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो और स्मॉल विंडो कर सकते हो। हम स्मॉल विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे सामने स्मॉल विंडो आ गई, इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे वापस से बड़ा कर सकते हैं, क्लोज करना है, इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर कट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे हम कट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्मॉल विंडो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस अगर हमको स्प्लिट स्क्रीन करनी है तो ये हमारा मैसेज है, हमको थ्री फिंगर से स्वाइप अप करना है इस तरीके से। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशंस जो इनेबल हैं, जो इनके इसके साथ कंपेटेबल हैं, जो खोल सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मैसेज चल रहा था। इस टाइप से आप ये सेटिंग भी कर सकते हो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वापस से हम सेटिंग में चलते हैं। अब आपका स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको स्मार्ट साइड बार, ये क्या है, हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको स्मार्ट साइड बार यहाँ से ऑफ होगा आपके फोन के अंदर, आपको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन सी देखने को मिल रही होगी, ठीक है, यहाँ देखो ये है स्मार्ट साइड बार। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के ऐसे इसको यहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है, ऐसे खोलना आपका, यहाँ पे देखो खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमने कोई एप्लीकेशन खोला, हमको स्नैपचैट यूज़ करना था, हमने इसको ऐसे लाया और यहाँ पे हम सेटिंग यूज़ कर रहे थे, बट हमने फिर भी यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, मतलब एक साथ हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसका काम है गाइस आपका स्मार्ट साइड बार का, यहाँ से अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करोगे, कोई भी एप्लीकेशन आपको लगाना है, कुछ भी लगाना है, इसमें मेरे को नेटफ्लिक्स ऐड करनी है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन आपको यूज़ में है आप यहाँ पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, आपका वो ऐड हो जाता है इस टाइप से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ से नेटफ्लिक्स ओपन करना है तो मैंने नेटफ्लिक्स ओपन कर दिया। तो इस टाइप से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये तीनों सेटिंग समझ में आ गई होंगी जो कि मल्टीटास्किंग के लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो शॉर्टकट्स आइकॉन्स में आप देखोगे ये मोशंस वाली सेटिंग है जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको एस कैप्चर, एस कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे। एस कैप्चर का क्या मतलब है, इसका क्या फीचर है आपको दिखाते हैं। स्लाइड डाउन विद थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट, अगर आपको एक स्क्रीनशॉट टेक करना है तो आपको थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन कर देना है, इजीली आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आप जैसे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी मिलती है यहाँ पे, वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्मार्ट मोशन, हम इस पर क्लिक करते हैं। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद आप समझो स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, आपकी जो स्क्रीन है उसको आप स्मार्ट ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, आपकी जो स्क्रीन है उसको ऑन ऑफ करने के तरीके कैसे आ रहे रहते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे राइज टू वेक, अगर हम इस फोन को इनेबल इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपका फोन टेबल पर रखा है, आपने जैसे ही फोन को उठाया तो आपकी स्क्रीन जो है गाइज वो ऑटोमेटिकली वेक हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे ही अपने फोन को आप हाथ में लेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू वेक, अगर आप इस सेटिंग ऑन रखेंगे तो जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, ये लिख रहा है यहाँ पे व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ डबल टैप इट टू टर्न ऑन। अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी देखो ऑफ है और हम इसको डबल टैप करेंगे तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग, जैसे कि अगर आप कोई सेटिंग को ऑन रखते हैं और आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहते हो तो आपकी स्क्रीन ऑन ही रहेगी क्योंकि आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, वो ऑफ नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू टर्न ऑफ, अगर आप गाइस इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो आप अपनी होम स्क्रीन पे जाके कहीं भी डबल टैप कर देंगे, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ओके, मतलब आपका फ़ोन लॉक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है स्मार्ट कॉलिंग की सेटिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये सारी सेटिंग देख रहे हो आपकी स्मार्ट कॉल सेटिंग्स रहने वाली है, जैसे कि स्मार्ट कॉल अगर आप इस सेटिंग ऑन करोगे तो इसका मतलब ये है गाइस, सिंपल सा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना है, जैसे कि आप किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल की इंटरफेस पे हैं तो आप उसकी कॉल लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, फ़ोन अपने कान पर लगा लेना, उसका कॉल ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको स्मार्ट आंसर, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे तो गाइस आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन अपने कान पर लगा लेना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कॉल को रिसीव कर देगा। फिर यहाँ पे मिल रहा है स्मार्ट स्विच, अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हो तो गाइस इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास गाइस आप एक कॉल आया और आप उस कॉल पर बात कर रहे हो, ठीक है, आपका फ़ोन स्पीकर पर है और आप चाहते हो कि आपका स्पीकर ऑफ हो जाए तो आपको सिंपल तरीके से अपना फ़ोन अपने कान पर लगा लेना, आपका स्पीकर ऑफ होकर ऑटोमेटिकली आपका इस वाले स्पीकर पर हो जाएगा, इसको हैंडसेट स्पीकर बोला जाता है। ओके, इसके बाद स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपके पास इनकमिंग कॉल आ रही है, आपका फ़ोन रिंग कर रहा है तो आप अपने फ़ोन को उल्टा कर दो या फिर अपने हाथ से ढक दो तो आपका कॉल म्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल, ये वही चीज़ होगी गाइस, आप अपने फ़ोन को उल्टा कर दोगे तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा इनकमिंग कॉल पे। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सीक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, जैसे कि गाइस ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, अभी यहाँ पे है तो अगर ऐसे ऐसे अपने फ़ोन को आप हिलाएंगे, ठीक है, तो मैं भी आपको हिला के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपके फ़ोन की जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिलहाल गाइस ये हो नहीं रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, बट एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं कि ये कितनी, ये देखो गाइस हो गया, मतलब थोड़ा आपको तेज़ हिलाना है, नॉर्मल हिलाने के बाद से काम नहीं चल रहा है, मतलब फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए आपको ये देखो ऑन है, आप थोड़ा तेज़ हिलाओगे तो ये गाइस यहाँ से ऐसे ऑन हो जाती है। फिलहाल अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ऐसे ऑफ़ नहीं हो रही है, इसके लिए मुझे लग रहा है मेहनत का काम है, थोड़ा टफ है, नॉर्मली ये ऑन नहीं हो रही। एक बार दोबारा से हम ट्राई करते हैं, जैसे कि गाइस फ़ोन को मैंने ऑन किया, ये गाइस बहुत कम काम कर रहा है बट ये काम करता है, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक से काम कर रहा है, ठीक है, बट इस फीचर को आप ट्राई कर सकते हो, आई होप कि आप समझ गए होगे। मेरे से तो गाइस एक ही बार ऑन हुआ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप ये सारी सेटिंग्स समझ गए होगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है क्विक एक्शन, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्विक एक्शन में गाइस आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन टू इनेबल स्पेसिफाइड फीचर, अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखोगे तो यहाँ से आपको गाइस सिंपल तरीके से, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है तो आप क्या क्या कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन बटन को आपको बस दबा के रखना है, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हो, अगर आप रिकॉर्ड ऑडियो पर रखोगे तो आपकी रिकॉर्ड ऑडियो हो जानी, ओपन फेसबुक करना है फेसबुक ओपन करना है तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा, ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो गाइस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल तरीके से क्विक एक्शन फॉर कैमरा ये वाली सेटिंग ऑन करनी है और आपको यहाँ पर डबल प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप ये सेटिंग भी समझ गए होंगे कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये सारी सेटिंग समझा रहा हूँ वन बाई वन, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखो तो हमारा यहाँ पे सबको जो हमारी फ्लैश लाइट है वो ऑन करनी है, हमारी जब स्क्रीन ऑफ है तो मैं आपको क्या करूँगा, बस मेरे को वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस एंड होल्ड रखना है, देखो फ्लैश लाइट ऑन हो गई, वापस से प्रेस एंड होल्ड रखना है तो गाइस यहाँ से हमारी फ्लैश लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर पाओगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस क्विक एक्शन सेटिंग को भी आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको वन हैंड मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है पावर बटन, तो गाइस यहाँ पे आप चाहो तो अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे लॉन्च गूगल असिस्टेंट का ऑफर मिलेगा, अगर आपके पास पहले ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा लॉन्च गूगल असिस्टेंट तो गाइस जब अपने फ़ोन को आप लॉक करने जा रहे होगे इस तरीके से तो आपका फ़ोन लॉक नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ आ रही होगी, तो इसको आप यहाँ आके इस पर क्लिक कर दें तो अब आपको फ़ोन लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो फ्लैश नोटिफिकेशन इनकमिंग कॉल के लिए आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी, इस सेटिंग को आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो वो भी आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, बट ये जो नॉर्मल सी सेटिंग्स थी वो हैं, इनको खास आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग एंड पैरेंटल कंट्रोल, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख पाते हो कि आपके फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर चला है, आप ये चीज़ एक्सेस कर सकते हो।
फिर यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रही है आपको फोकस मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। फोकस मोड का गाइस क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप अगर जॉब वगैरह करते हो या कोई भी काम करते हो और आप चाहते हो सुबह 9 से 5 बजे तक मेरे को बहुत सारे एप्लीकेशन डिस्टर्ब ना करें, या फिर इंस्टाग्राम आपके फोन के अंदर ना चले, या फिर यूट्यूब ना चले, या फिर फेसबुक ना चले, तो उसके लिए आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप ऑन करोगे। ऑन करने के बाद गाइस आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हो और इतने टाइम के लिए आपके एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। ओके, तो इस फोकस मोड को आप जरूर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सिस्टम नेविगेशन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे फोन के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है जिसको बोला जाता है सिस्टम नेविगेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके फोन के अंदर पहले ये वाली सेटिंग होकर रखी होगी 3 बटन वाली। ओके, इस टाइप से आपको बटन देखने को मिल रहे होंगे। आप चाहो तो इनको यहाँ से लेफ्ट और राइट भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो इनको आप हाइड करना है तो आपको यहाँ पे जेस्चर्स पे क्लिक कर लेना है, और जैसे आप जेस्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपका ये हाइड हो जाता है। यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है आपको हाइड बॉटम बार, अगर आपको ये निबल नहीं करोगे तो आप एक लाइन सी आपको देखने को मिलेगी, और आप इसको निबल कर दोगे तो आपकी यहाँ पे एक लाइन भी गायब हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आप अपने फोन के अंदर ये जो बटन है आपके इनको आप हाइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लोन फोन का, और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मल्टी यूजर्स का। तो मल्टी यूजर्स गाइस मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मल्टी यूजर्स गाइस वो होता है कि जैसे आपके घर में 2 भाई लोग हो आप, या फिर 2-3 लोग हो, और आप चाहते हो कि आप सबके फ़ोन अलग अलग हों और एक ही फ़ोन के अंदर, मतलब सबकी सेटिंग अलग हो, सबके हिसाब से आपने बंदा अपने हिसाब से यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। मतलब एक फ़ोन के अंदर हम 2 या 3 मतलब सिंपल तरीके से यूज़र्स बना सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक हमारा बना हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करके एक नया यूज़र बना सकते हो, और उन दोनों के सबके आप अलग अलग पासवर्ड रख सकते हो, ताकि जो बंदा अपना पासवर्ड डालेगा उसका फ़ोन खुलेगा, ना कि आपका वाला। ओके, मतलब सारी की सारी सेटिंग्स अलग रहेंगी। ठीक है, आप एक गेस्ट मोड भी रख सकते हो, जैसे कि आप गेस्ट मोड में किसी को इनेबल करके दे दिया ताकि आप अपने हिसाब से फ़ोन यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, तो इस सेटिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो। फोन क्लोन का मतलब गाइस ये, जैसे कि आप नया फ़ोन लेते हो तो उस टाइम आप अगर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका फ़ोन पुराना है नया, और यहाँ से सेटिंग करके आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो क्लोन फोन करके। मतलब सेम फोन हो जाएगा, जैसा आपका होगा वैसे ही दूसरा वाला फोन हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा ये सारी सेटिंग्स। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे गाइस कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर लो। कोई भी आपको रिप्लाई चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और गाइस एक चीज़ और, इसके अंदर आपको जो डायलर है वो गाइस आपको बाय डिफॉल्ट जो है वीवो वाला देखने को मिलता है, तो उसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाना है, सिंपल तरीके से कॉल सेटिंग में जाके आप कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर पाओगे। फिलहाल मेरे फोन के अंदर सिम डला हुआ नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।